बेतुकी बातों का कोई सिरपैर नहीं होता है, इसलिए उनकी इन बेतुकी बातों का उत्तर देने के का कोई कारण नहीं है। हमें तो इतना पता है कि जो हमने तय किया है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार प्रदेश में नहीं चलने देंगे, और उसी के नाते से हमारी नौकरियां एकदम पारदर्शी ढंग से मेरिट के ऊपर चल रही हैं। जब उसमें हमारे पास जानकारी आई कि कुछ ऐसे लोग जो आज तक इन धंधों में पहले करते रहते थे, ये उन्हीं के बोए हुए बीज हैं सारे, क्योंकि ये सारे सिस्टम कोई आज से नहीं बने हैं, सालों साल से इस प्रकार के सिस्टम जो भुगतते रहे, उसमें से जब जानकारी मिली कि जो सफल कैंडिडेट्स हैं सूचनाओं को लीक करके और उनको अप्रोच करके उनसे पैसे ऐंठे जाते थे, उनको ठगे जाते थे उनके साथ, और बहुत से लोग उस ठगी में उनके शिकार बनते थे, हमने अपना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को ये जानकारी दे करके और उसकी सारी जानकारियां इकट्ठी करवाई, और उसके बाद अल्टीमेटली जो लोग ऐसे हैं कंक्रीट उसका एक रिजल्ट निकाल करके पकड़े गए हैं, और उनको सबको एक प्रकार का जो दोष उन्होंने किया उसका दंड उनको निश्चित रूप से मिलेगा। वो तो सारी चीज़ें हैं, जब पुलिस छानबीन करेगी तो हर प्रकार के विषय के ऊपर छानबीन करेगी, और जहाँ भी किसी का भी दोष उसमें पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी, कोई भी हो, बड़ा छोटा का नहीं, मनोहर लाल उसको भी दंड मिलेगा।